लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे बुरी तरह फंस गए हैं। आज रत्नागिरी पुलिस ने इस बयान पर कार्रवाई करते हुए नारायण राणे को हिरासत में ले लिया। उनके खिलाफ पुणे, नासिक और महाड़ में FIR दर्ज कराई गई है। फिलहाल राणे के इस बयान के खिलाफ शिवसैनिकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। आज नई मुंबई के वासी और तुर्बे स्टोर में शिवसैनिकों ने राणे के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। शिवसेना के बेलापुर जिला प्रमुख विट्ठल मोरे के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों और शिवसैनिकों ने वासी पुलिस थाने के पास प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। जिला प्रमुख विट्ठल मोरे ने कहा कि नारायण राणे एक केंद्रीय मंत्री हैं और राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने की बात कहना सिर्फ अनुचित ही नहीं बल्कि अपराध भी है। यह महाराष्ट्र का अपमान है और शिवसैनिक ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए सुनाते हैं विट्ठल मोरे ने और क्या कुछ कहा। हि जी जन यात्रा, जन आंदोलन यात्रा आहे, जन आशीर्वाद यात्रा। या जन आशीर्वाद यात्रेमध्ये आपण जे बोललं पाहिजे ते त्यांनी बोलणं बोलतात, त्यांच्याकडे बोलण्यासारखं काही नाही। कारण जी त्यांची प्रवृत्ती आहे ही प्रवृत्ती त्यांची समोर येते आणि जे या महाराष्ट्राला अशा प्रकारचे राजकीय संस्कार नाहीत अशा प्रकारची घाणेरडी वक्तव्य ते करत असून जनतेला या गोष्टीचा वीट आलेला आहे। जनता या गोष्टीसाठी जरासुद्धा त्यांच्यावरती विश्वास ठेवणार नाही, कारण महाराष्ट्राला अतिशय संकटाच्या प्रसंगी वाचवणारे आपले मुख्यमंत्री माननीय उद्धवसाहेब ठाकरे यांनी या जनतेच्या मनात एक जागा बनवलेली आणि त्या जागेच्या विरोधात अशा प्रकारचे एखादा गुंड प्रवृत्तीचा जर माणूस जर चुकीच्या प्रकारे वक्तव्य करत असेल तर त्याचा निषेध आहे। बघा, ही राजकारणाची त्यांची स्टाईल आहे। मी केलेलं आहे, विपर्यास झालाय, तुम्हाला हिंमत कशी झाली? कोणी काय बोलावं आणि काय बोलू नये ह्याला मर्यादा आहे। त्या मर्यादा न पाळता हा माणूस बेलगामपणे बोलतोय ह्याचा निषेध होणार। आणि मी एकच सांगतो तुम्हाला, स्वतःला संपवणारा माणूस राजकारणी म्हणजे नारायण राणे असं माझं मत आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।